नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और ये मेरे चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल का प्रोग्राम है का से किताब। एक प्रोग्राम जिसमें हम अपने मेहमानों से बात करते हैं पढ़ने लिखने की उनकी दिलचस्पियों के बारे में, किताबों से उनके रिश्ते के बारे में। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत खास मेहमान। हमारे साथ हैं जानी मानी पत्रकार रिपोर्टर प्रियंका दुबे और बहुत जल्द वो एक अलग विधा में भी आने वाली है हमारे सामने। और एक किताब प्रियंका की जो है वो बहुत खास है, जो उन्होंने एक तरीके से अपना जो रिपोर्टिंग का पूरा अनुभव है वो उस किताब में भी डाला है, उसके बारे में प्रियंका से हम बात करेंगे। मेरी प्रिय पत्रकारों में से इसलिए क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि पत्रकारिता असल में रिपोर्टर्स ही उसके मेयार को तय करते हैं। और रिपोर्टिंग में प्रियंका ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की है वो जो लोग रिपोर्टिंग से जुड़े रहे हैं वो जानते हैं कि कितनी ज़बरदस्त रिपोर्टर प्रियंका रही हैं और वो किस तरह की रिपोर्टिंग करती हैं। तो प्रियंका, बहुत स्वागत है आपका का से किताब में और आज हम लोग बात करेंगे किताबों के बारे में। थैंक यू मंजू जी, इट्स एन ऑनर, इट्स माय प्लेजर। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट भी है, लुकिंग बैक इन टाइम जब हम छोटे थे तब से अभी तक। क्या बात है। और मैं इससे पहले ही बातचीत शुरू करूं, मैं ये बताऊं अपने दर्शकों को कि रिपोर्टिंग के लिए जितने भी जो बड़े बड़े अवार्ड्स हमारे यहाँ हैं, यानी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों, उनमें से बेशतर प्रियंका अपनी रिपोर्टिंग के लिए जीत चुकी हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व होता है कि वो हमारी अजीज़ हैं और हमने उनके सफ़र को भी देखा है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि रिपोर्टिंग एक बहुत गंभीर चीज़ है और वो ही जो है वो पत्रकारिता का स्तर तय करती है। मैं बिल्कुल, जो ये एंकर्स स्टूडियो में बैठ कर डिबेट्स करवाते हैं और कई बार अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं पत्रकार उसी को मानता हूं जो खबर करता है फील्ड से। और इसीलिए प्रियंका मेरी चंद पसंदीदा पत्रकारों में से एक है। प्रियंका, मैं बातचीत शुरू करता हूं। मुझे ये बताएं कि हाल फिलहाल में पिछले दिनों या अभी आपने कौन सी अच्छी किताबें पढ़ी हैं या पढ़ रही हैं जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी, और वो किताबें आपको क्यों खास लगी, ये भी अगर आप बता सकें। मैंने, ये इतना स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे यहाँ बहुत कम होते हैं जिसमें हम किताबों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मुझे अक्सर अपने सोशल मीडिया फीड्स पर भी ये सवाल मिलते हैं किताबों के बारे में, लोग पूछते रहते हैं। तो मैंने इसलिए इसका जवाब सोचा था कि मैंने इसके बारे में सुना है कि जो ऑडियंस है वो लोग भी नोट्स बनाते हैं, तो मैंने भी अपने नोट्स बनाए कि मैं भी क्या बोलूँगी ताकि मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें भूल ना जाऊँ। तो कुछ जैसे आजकल मैंने अभी रिसेंटली थोड़ा सा 10-11 वर्ष की रिपोर्टिंग के बाद छोटा सा एक ब्रेक लिया है कुछ दिनों के लिए, तो मेरी पढ़ाई ज़्यादा इंटेंस हो गई है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो दिन की शुरुआत में वो भी बहुत सारी वैरिड चीज़ें पढ़ती हूँ, मेरे पढ़ने का स्कोप बड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने शामिल करी हैं। एक तरीके से अपने आप को स्कूल करना, खुद को पेरेंट करना, खुद की परवरिश करना, क्योंकि जब तक इतने मज़े की बात है कि इंडिया में हमारी स्कूलिंग ख़त्म होती तब हमें समझ में आता है पढ़ाई ख़त्म होने के बाद कि पढ़ना क्या था। और तो वो चीज़ हुई और अब मैंने खुद से स्कूल करना शुरू किया है। तो मैं इतना ज़्यादा, हमारे यहाँ जैसे स्ट्रेसफुल माहौल रहता है मीडिया वगैरह की वजह से, तो मैं सवेरे उठ के सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत पोइट्री से करती हूँ। तो मैं रोज़ एक नई पोइट्री बुक निकाल के या पुरानी जो भी मैं पढ़ रही हूँ वो पढ़ती हूँ। तो इन दिनों तो मैं मैरी ओलिवर की पोएम्स पढ़ रही थी और हिंदी में भी नए नए पोइट्स हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि दो फ्रंट पे पढ़ाई करूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ, एक तो क्लासिक्स और दूसरा कंटेम्प्रेरी में भी जो लिखा जा रहा है, क्योंकि हम जिस भाषा में प्रयास करते हैं, जो हमारी भाषा है, उसमें एक जिम्मेदारी भी होती है कि हम जो नए लोग लिख रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा उनकी भी किताबें पढ़ते रहें। तो मैं सुबह पोइट्री पढ़ती हूँ अक्सर, मैरी ओलिवर या फिर लुईस ग्लिक वगैरह, जो मैरी ओलिवर मुझे बहुत पसंद आती हैं क्योंकि उनकी पोइट्रीज बहुत, एक तो नेचर के बारे में बात करती हैं, आप मेडिटेटिव हैं, अंदर बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत सटल हैं, मगर बहुत गहरी डीप मेडिटेटिव अमेरिकन जो पोएट है मैरी ओलिवर, इनकी बड़ी सुंदर कविताएं हैं, बहुत सेंसिटिव नाजुक पोएट है। और कभी कभी मैं तो पोएम से शुरू करती हूँ। उसके अलावा अभी मैंने बहुत अभी जो अभी पढ़ रही हूँ उसमें अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो एक Why This World करके एक बायोग्राफी है क्लेरिस लिस्पेक्टर की, बहुत महत्वपूर्ण लेखक थी, है ब्राज़ीलियन लेखक थी, मगर पैदा यूक्रेन में हुई थी लेकिन बेसिकली ब्राज़ील की थी। इनके बारे में, इनको
अलग फिक्शन का पूरा मॉड्यूल इन्होंने तोड़ा है, इसलिए क्लेरिस इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगी कि ना कि लोग, दर्शकों को भी आपके माध्यम से पता चले क्लेरिस लिस्पेक्टर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन राइटर्स हैं, अक्सर हम वुमेन राइटर्स को ओवरलुक भी करते हैं। तो इनके ऊपर बेंजामिन मोजर नाम के जो अमेरिकन राइटर हैं, जिनकी एक दूसरी बायोग्राफी बहुत पॉपुलर है, जो सुजैन सोंटैग की उन्होंने अभी लिखी है। तो बेंजामिन मोजर ने सुजैन सोंटैग से पहले अपने, जब वो थर्टीज में, अभी वो मिड फोर्टीज में, जब वो मिड थर्टीज में थे, तब उन्होंने क्लेरिस की बायोग्राफी लिखी थी, जिसका नाम है वाई दिस वर्ल्ड, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। बहुत मजे की बायोग्राफी है। और इतनी मतलब क्लेरिस के बारे में तो कहा जाता है ना कि वो बीवेयर ऑफ क्लेरिस, नो इट्स नॉट लिटरेचर, इट्स विच क्राफ्ट, यानी कि वो कब्जा कर लेती हैं आपके ऊपर। एक बहुत मिस्टीरियस राइटर है बहुत, और उनके बारे में इतनी मजे की। जब वो, उनका काम शुरू में डिसमिस भी हुआ थोड़ा बहुत, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे लोग, वो फिक्शन का के मॉड्यूल को उन्होंने, फिक्शन के पूरे फॉर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसको तोड़ा। मेडिटेटिव राइटिंग है, अपने से बात कर रही है, एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे उनकी किताब एगुआ वीवा, मुझे बहुत पसंद है एगुआ वीवा, बहुत मेरे पास उनका सारा ही काम है। तो वो बायोग्राफी मैं पढ़ रही हूँ और मुझे इतना मजा आ रहा है कि यार इस महिला को देखो, उनका बड़ा डिफिकल्ट लाइफ रहा, उन्होंने बहुत ओरिजिनल काम किया। बाद में कहा जाएगा, बाद में यहाँ तक कहा गया कि अगर काफ्का महिला होते तो क्लेरिस लिस्पेक्टर होते, इतनी बड़ी बड़ी उनकी तुलनाएं होने लगी। और 20th सेंचुरी की सबसे जायंट इंटेलेक्चुअल्स में से हैं क्लेरिस। तो वो बायोग्राफी अभी पढ़ रही हूँ, और साथ में कभी हिंदी में अमितेश कुमार की किताब आई है मेरे हाथ में, तुरंत हाँ, अभी आई है। अभी हम भी लेकर पीछे रखी हमारे जी, अरे आपके भी पीछे। तो अमितेश कुमार की जो किताब है उसका उसका ये संदर्भ रहा कि ये वैकल्पिक विन्यास जो है, तो हाँ देखिए किताब अमितेश की, तो ये मैं पढ़ रही थी। और हम लोगों ने, दोनों ने भोपाल में समय बिताया हुआ है, और हम जब, मैं तो जब कॉलेज पास कर रही थी तभी हबीब तनवीर गुजर गए, और वहाँ पे हमारी बंसी गुलवर्धन होती थी, वो भी उसी वक्त गुजर गई, बंसी कॉल थोड़े ज्यादा जिए। तो हम लोग, जब मैं, मेरी पुरानी स्मृतियां हैं चरणदास चोर की, भारत भवन में लाइन बाहर लगी हुई है, और ना वहाँ पे क्या है कि जो अपना थिएटर हॉल है उसके बाहर स्लाइडर लगा हुआ है, मतलब जो उसका अहाता है भारत भवन का, वहाँ पे बड़ा सा एक वो लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, जहाँ पर लोग अंदर, क्योंकि भीड़ इतनी है कि सब लोग हॉल में तो आ नहीं सकते, तो बाहर भी उन्होंने पर्दा खींच दिया है कि जो लोग, जनता बाहर बैठी है, वो बाहर बैठ के चरणदास चोर का मंचन देख रही है। और उस जमाने में, आज से 10-12 साल पहले, 20-30 रुपए की टिकट लेकर जनता भर भर के जाती थी। तो चरणदास चोर का जो मैजिक है, हबीब तनवीर का जो मैजिक है, क्योंकि हम भोपाल से हैं तो हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, इस लिहाज से भी थोड़ा इमोशनली कनेक्ट होके मैंने एक किताब तुरंत उठाई। तो मैं कोशिश करती हूँ बैलेंस रखूँ कंटेम्प्रेरी में। अभी अभी अमितेश की जो किताब है बड़ी अच्छी लग रही है, मैं इसको पढ़ना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि नाटक पर इस तरह की आलोचना हमारे यहाँ कम है, तो वो एक पढ़ रही थी, और ऐसा बैलेंस बना के अभी अभी तो जो करंट रीडिंग है उसमें ये है सर हाथ में जो है। और ये बहुत अच्छी बातें आपने की जो आप अभी पढ़ रही हैं उन किताबों के बारे में। मुझे ये बताएं, मैं सबसे पूछता हूँ ये सवाल कि अगर मैं ये पूछूं कि प्रियंका दुबे की सबसे प्रिय किताबें, तो कौन सी किताबों के नाम आपके जहन में तुरंत उभरते हैं, जो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, एक फिरिस्त जो बनती चली जाती है, वो कौन सी किताबों की है और बहुत क्यों? सारी मेरी प्रिय किताबें तो उसमें सबसे पहले निर्मल वर्मा की बुक्स का नाम आता है, और उसमें, लेकिन उससे भी पहले जो है, जो मैं सबसे बोलती हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है। तो क्या है ना, 11 वर्ष रिपोर्टर रही हूँ, तो मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत प्रेम है, मतलब मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है जो भारत का संविधान है, क्योंकि हम लोगों पे, मतलब जब मैं जो आप समझ सकते हैं, आपने लंबा वक्त रिपोर्टिंग में बिताया, अक्सर ये राइट लेफ्ट और ये दुनिया भर का प्रेशर होता है, सेंटर करो लाइट करो, तो मैं क्या करती थी, मेरा सेफ रास्ता जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैं हमेशा, आई हैव बीन अ फियर्स कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ऑल माय लाइफ, तो जब भी मुझे कोई पोजीशन लेनी, कुछ भी लेना होता था, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेती थी। और अक्सर इतनी, क्योंकि हम रिपोर्टिंग के दौरान इतने लहूलुहान होते हैं, इतनी मुश्किल यात्राएं, इतना सब विटनेस करना पड़ता है, तो जब इतने अंधेरे में डूबती थी, मैंने अपने बहुत निराशा के क्षणों में मैं संविधान के पास गई हूँ, जब मुझे लगता था कि सब खत्म हो जाएगा। बहुत उदासी होती है जब हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, या मॉब लिंचिंग्स देखते हैं, इस तरह की चीजें देखते हैं, तो आपको निराशा में आप डूब जाते हो। उन क्षणों में भी मुझे संविधान बहुत ताकत, मैं हमेशा अपने पास उसकी प्रति रखती हूँ।
और मैं सबसे बोलती हूँ कि सबको अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी रखनी चाहिए, और जब आपको बहुत निराशा हो कि सारा कोई राइट ही नहीं है, कोई ड्यूटी ही नहीं है, सब खत्म हो रहा है, तो आप उसको पढ़िए कि इतने सारे लोगों ने इतने वर्ष मिलकर ये संविधान, ये हमारा काम है कि हम उसको रिक्लेम करें, उसको पढ़ें, उसको संभालें, तो वो मुझे बड़ी ऊर्जा देता है। तो मैं उसको एक तो वो नंबर वन किताब है जो मैं अक्सर उसको, बाकी दूसरा निर्मल वर्मा की का सारा साहित्य जो उनका है, खासतौर से उनकी धुन से उठती धुन, जो उनकी डायरीज हैं, वो तो मैं 10 साल से अपने साथ लेके घूम रही हूँ लंदन अमेरिका, जहां जहां गई, मैं बीहड़ में गई, चाहे चंबल गई, चाहे आसाम गई, वो किताब हमेशा मेरे बैग में रही है। तो वो एक मेरी, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ ना कि जो पहाड़ पे लोग चढ़ते हैं तो माउंटेन पिल लेके चढ़ते हैं कि उनको दर्द कम हो, तो मैं जिंदगी में दर्द कम हो इसलिए धुन से उठती धुन अपने पास लेके चलती हूँ। तो वो एक ऐसी किताब है, मगर अगर मुझे कहा जाए, ये कहना हो कि मैं ये, मतलब मेरी सबसे प्रिय किताबों में से ये उसकी, उसके अलावा अभी हाल में क्या हुआ है कि सुजैन सोंटैग का भूत मेरे पे बहुत चढ़ा है पिछले 2 वर्षों में। क्या हुआ कि मैं आपको थोड़ा सा इसको वुमेन पर्सपेक्टिव से भी बताने, क्योंकि मेरा जी के नोशन पर वुमेन रही या जो मेरी पूरी जेनेसिस है वो जानबूझ के नहीं, लेकिन वो ऐसे घटित हुई समाज में कि उसमें एक क्रिटिकल फैकल्टी मेरे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, वुमेन पर्सपेक्टिव चलता रहता है। तो मैं क्या ना बच्चों की तरह ऐसे ऊपर देखती रहती थी कि मुझे मतलब कोई मुझे ऐसा राइटर या ऑथर ऐसा मिले जिसको मैं देख के मेरा मुंह खुला रह जाए और मुझे लगे यार ये बनना है, ऐसा होना है, इससे सीखना है, इससे आपको एनर्जी मिल रही है, आपको इससे प्रेरणा मिलती है। तो मुझे सोंटाग इतना, सुजन सोंटाग इतना प्रभावित करती है क्योंकि वो इतनी जायंट इंटेलेक्चुअल और इतनी मेहनती महिला, उनका उनका मैंने पूरा काम मंगा के इस बीच में पढ़ा है, और मैं इतने नशे में रही हूँ, इतना मजा आया है मुझे, मतलब मैं बस उछल के बिस्तर से कूद ही जाती थी ना। उनकी डायरीज जो है, ये डायरीज में वो लिखती, क्योंकि वो बहुत, ऐसा नहीं कि वो मुझे, वो इसलिए भी बहुत अपील करती क्योंकि वो बहुत वर्नेबल भी हैं, उनका एक हिस्सा बहुत भेद्य है, मतलब वो अपनी डायरीज में लगातार रो रही हैं, लगातार बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है ना, बाइसेक्सुअल रही, पहले उनके उनकी शादी हुई, उसके बाद में फिर उनके बड़े सारे गर्लफ्रेंड, सीरियल अफेयर रिलेशनशिप्स रहे, और वो इतने डिफिकल्ट रिलेशनशिप्स हैं जिसमें वो एकदम, मतलब इतनी गलेबल है, इतनी वर्नेबल है, इतना रो रही हैं, और उसके बाद भी वो पढ़े जा रही हैं, मेहनत की जा रही है, सुबह से शाम तक हर चीज़ की लिस्ट बना रही है, वर्ड्स की लिस्ट, इसकी लिस्ट, उसकी लिस्ट, और अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन जैसी इतनी, और इतनी सारी, मतलब इतने मजबूत एसेज, इलनेस एज अ मेटाफर अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन, इतने ओरिजिनल आइडियाज, मैं तो ये टर्म ही सोचती थी कि जब पहली बार सोचा होगा अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन तो कितनी सुंदर बात होगी अगेंस्ट इंटरप्रिटेशन। और एक से एक निबंध है, जायंट इंटेलेक्चुअल ना, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि स्त्रियां, हमारे यहाँ ऐसा सोच है कि एसेज मजबूत नहीं है, क्रिटिसिज्म अच्छे नहीं, क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं है। तो एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आई हुई, इनका बचपन भी बहुत मुश्किल रहा सोंटैग का, जिस तरीके से उन्होंने खुद को गढ़ा है, खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, एक राइटर के तौर पे बनाया है, मुझे लगता है वो भारतीय लड़कियों को या किसी भी साउथ एशियन लड़कियों को बहुत एनर्जी और ऊर्जा और मोटिवेशन दे सकता है कि हम सब भी अगर ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं लेकिन अगर हम मेहनत करें तो वो खुद को गढ़ सकते हैं। ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्ड है ना, डी स्कूल करना, खुद को बनाना, ये उनका बड़ा विश्वास था। वो हमेशा कहती थी कि मैं उन्हीं लोगों में इंटरेस्टेड हूँ जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, मतलब अगर आप खुद को बेहतर बनाने के प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट सेल्फ है, जो मैं अभी मैं अपने प्रोजेक्ट सेल्फ पर हूँ, तो प्रोजेक्ट सेल्फ यानी खुद को खुद को बेहतर बनाने के लिए आपने रोज पढ़ना है, आपने रोज खुद मेहनत, तो स्त्री फॉर वुमेन इट्स आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन देमसेल्फ्स कॉन्स्टेंटली। तो इसलिए सोंटैग की एसेज, उनकी सारी निबंधों की किताब, जिसमें उन्होंने यूरोप, अमेरिकन लेखक थी, पूरा यूरोप जो है ना उन्होंने निकाल के, इतने कोई भी यूरोप का इंपॉर्टेंट राइटर नहीं है जिसकी मैं पेंगुइन से किताब उठा लूं और उसका इंट्रोडक्शन सोंटैग ने ना लिखा हो, तो सबके, चाहे रोला बार, तो सबके, इतने सबके ऊपर उन्होंने लिखा, दूसरे लेखकों के ऊपर बड़ी जनरोसिटी से लिखा, अपने निबंध लिख के फिक्शन में इतना लिखा, तो सोंटैग को मैं बहुत, इनसे प्रेम मुझे रहा। और मेरी पसंदीदा 2 किताबें जो मैं मेंशन करना चाहूंगी खास तौर पे, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी, अक्सर क्या ना, मैं एक्चुअली मैं बुक्स के पास इसलिए जाती हूँ जब मुझे लगता है मैं मर रही हूँ या मुझे बड़ा दर्द हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि इतना कलेक्टेड सॉरो हो जाते हैं ना बीइंग अ रिपोर्टर, इफ यू हैव डन अ बुक लाइक नोनेशन, और आप, मेरी घर की भी बैकग्राउंड डिफिकल्टी रही, तो और प्यार और दिल का मामला चलता ही रहता है, तो आपको लगता है कि आप इतने सारे अपने सॉरोज इकट्ठा कर लिए तो भैया जियोगे कैसे, दर्द हुआ जा रहा है, परेशानी है, संभलोगे कैसे। तो उसमें 2 बुक्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, एक अर्नेस्ट यंगर करके एक राइटर है,
ये मैंने निकाल के रखी है किताब, ऑन पेन है इसका नाम, यानी दर्द के ऊपर, ऑन पेन, एक निबंध है 70-80 पन्ने का, इसकी बहुत अच्छी भूमिका और ट्रांसलेशन है। ये जर्मन राइटर थे, बड़े मजे के राइटर थे, 101 साल जिए इन्होंने, वर्ल्ड वॉर वगैरह सब देखा, सिगरेट पीते हुए 100 से ऊपर जिए हैं ये, और आर्मी वार्मी में सर्व भी किया था। और लेकिन ये बहुत अच्छा निबंध है जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि यू टेल मी योर रिलेशनशिप विद पेन एंड आई विल टेल यू वॉट यू आर, यानी तुम दर्द से अपना मुझे रिश्ता बताओ क्या है, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या हो, किस चीज के बने हो। तो अर्नेस्ट यंगर ने मुझे सिखाया कि भैया डरना नहीं है, हम लोग क्या ना आजकल ये बहुत है कि एकदम हैप्पी 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 रहो, मगर मुझे समझ में आया कि जब तक आप सॉरो को एड्रेस नहीं करोगे, जब तक उसको फेस नहीं करोगे, तब तक वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो तो प्रेत है ना, वो तो छोड़ता नहीं है। तो ये बोलते हैं कि आप उसको फेस करो और उससे, तो ये बहुत हेल्पफुल ऐसे रहा मेरे लिए निबंध, है ना। ऑन पेन मैं सबको बोलूंगी कि ये जो भी लोग उनको लगता है कि किसी भी तरह के इश्यूज से जूझ रहे हैं लाइफ में और कुछ भी हो रहा है, तो ऑन पेन उनको पढ़नी चाहिए। दूसरा एक मेरा बहुत प्रिय लेखक है जापानी, इस बीच मेरे पढ़ाई का बहुत विस्तार हुआ, तो उसमें एक जापानी लेखक मुझे बहुत पसंद है, हालांकि उनको लेकर कुछ क्रिटिसिज्म भी है, थोड़े हाइपर नेशनलिस्ट थे, बाकी बहुत सारी चीजें, मगर योकोई मिशिमा जो है, मिशिमा बहुत प्रिय लेखक मेरे बने, उनके मैंने उपन्यास भी पढ़े हैं। मगर मैं जिस किताब का यहाँ जिक्र करना चाहती हूँ, जो मुझे लगता है लोगों के लिए भी फायदेमंद होगी, वो उनकी किताब है द सन एंड स्टील, द सन एंड स्टील है उसका नाम। तो द सन एंड स्टील की बात ये है ना कि वो सन एंड स्टील में उन्होंने भी, जैसे ये और वो एक दूसरे का, मतलब मुझे लगता है कि सहपाठी टाइप के बेस्ट फ्रेंड्स लगते हैं ये और वो किताब। तो उन्होंने जो मिशिमा ने सन एंड स्टील में भी यही बोला है कि वो खुद को फेस करने, अपने ऊपर काम करने, इट्स बेसिकली फॉर एनीवन, अगर कोई अपने ऊपर, जैसे अगर आप, कुछ लोग होते हैं ना उदाहरण के लिए, वो वर्कआउट करते हैं कि उनके उनका बॉडी वेट लूज हो जाए या कुछ ना ज़रा फिट हो जाए, लेकिन मिशिमा आपको तब वर्कआउट करने के लिए बोलता है जब आपका दिल फिक्स करने के लिए, उसको लगता है अगर आपको दिल को सुधारना है ना तो भी आप वर्कआउट करो, तो भी आप काम करो खुद पे और खुद की एनर्जी एनर्जी को बनाने के लिए। तो बहुत मेडिटेटिव किताब है वो, दर्द के बारे में और कैसे पेन को डील करना है। मिशिमा की बड़ी मजे की कहानी है ना, पहले बड़ा दुबला पतले से एक ज़माने में हुआ करते थे वो लेखक, फिर उनको किसी ने पार्टी में किसी लड़की ने कुछ बोल दिया जिन्हें क्या ही हुआ कि तुम तो फूक मारो उड़ जाओगे, इस तरह कोई कुछ किस्सा हुआ, तो उन्होंने जाने उसको क्या ले लिया, अपने ऊपर लिया, और यानी वर्क ऑन हिमसेल्फ, और फिर बाद में रेसलर वेसलर बन के हीरो हुए, एक्टर बने, एकदम चिजल्ड बॉडी एंड ऑल दैट। हिंदी फिल्मों वाली कहानी है, 90 के दशक की हिंदी फिल्में याद आ रही हैं इसको। हाँ, हिंदी फिल्में, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को एक बड़ा मिशिमा नोबेल प्राइज के लिए नामांकित थे वहां से, जापान से, बहुत फेमस, बड़ा रेज है उनका जापान में रहा वर्षों तक, और वो उन्होंने सुसाइड किया, बहुत बुरी, बहुत एक बहुत वो ऐतिहासिक अजीब सा उनका वो था जो था ना, क्योंकि वो कुछ आप लोग जब गूगल करेंगे जो लोग योकोई मिशिमा तो उन्हें पता चलेगा, ऐसा कोई स्टेज, मतलब उनका जो लास्ट एक्ट था जीवन का, उसको भी उन्होंने एकदम फिल्म तरीके से, मिशिमा से वेरी स्पेशल राइटर, वो सेपकू किया उन्होंने अपने दो तीन लोगों के साथ, वो कुछ रिजीम ओवरथ्रो करने का, वाज अ बिग, ही इज अ राइटर इन हिज ओन लीग, अलग ही आदमी है वो। तो वो जो उसकी किताब है हमारी सन एंड स्टील, ये बहुत उपन्यास भी इनके पढ़ने चाहिए, कन्फेशन ऑफ मास्क, उनका एक उनका स्ट्रीक था कि वो गे भी है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड पर्सन बट वेरी नुआंस्ड राइटिंग। तो ये दो किताबों ने मुझे बहुत मदद करी, जिनको मैं कहना, जिनका जिक्र करना चाहती थी। और अगर मेरी प्रिय किताबों में है तो डेविड फॉस्टर वॉलेस, एक अमेरिकी लेखक, मुझे बहुत पसंद है, और आजकल मुझे बड़े याद आते हैं क्योंकि उनका जो दो चीजें, एक तो डेविड फॉस्टर वॉलेस का एक बहुत सुंदर उन्होंने स्पीच दिया था दिस इज वाटर करके, वो कॉलेज के बच्चों को कॉन्वोकेशन में, तो वो छपा है बाद में, बड़ा इतना सुंदर स्पीच है कि मैं अक्सर खाना बनाती हूँ उसको बार बार पॉडकास्ट पर सुनती हूँ, मेरे पास उसकी हार्ड कॉपी भी है, उसको पढ़ती हूँ, और वो सभी को सुनना चाहिए दिन में ना, आपको काफी होश ठिकाने आ जाएंगे, पैर जमीन पे आ जाएंगे, और आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, वो अच्छी चीज है। और दूसरा उनका जो उपन्यास है, महान उपन्यास ना, इन्फिनिट जेस्ट, जब किताबें और उपन्यास पे प्रश्न आने लगा कि अब तकनीक के युग में ये कैसे जिएगा, क्या होगा, देन उस समय में इतना बड़ा 1000 पन्ने से ऊपर इतना मोटा उपन्यास लिखकर डेविड फॉस्टर वॉलेस ने वापस उपन्यास की विधा को मैप पे, ही ब्रॉट इट बैक ऑन द मैप ऑफ फिक्शन, और फिक्शन को इतना मूव किया आगे बहुत सारे। लेकिन उसमें सबसे मजे की बात है कि बहुत फनी राइटर है, बहुत विटी है, बहुत सैड भी है, मगर वो उन्होंने इतने पहले 1997 में उस जमाने में बता दिया था वो पूरा उपन्यास इस चीज के बारे में कि एक टीवी शो है जिसको आप देखने लगते हो तो आपको ऐसी आदत हो जाती है कि आप उसको देखते देखते उठ नहीं पाते, मतलब ये बहुत रिडक्टिव तरीके से मैं बता रही हूँ क्योंकि उसमें बहुत कुछ है,
मगर मैं सही रिडक्टिव तरीके से, क्योंकि दो लाइन में रिडक्टिव ही बता पाऊंगी, बट वो इस तरीके से, वो उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि नेटफ्लिक्स जैसी कोई चीज आएगी 97 में, तो ये भी गुजर गया, मतलब ही ऑल्सो किल्ड हिमसेल्फ। बट द थिंग इज कि अगर वो होते अभी आज के समय में, तो तकनीक पर कमर्शियल, जो कमर्शियल हमारे आसपास ये पूरा माहौल है ना, हम परेशान रहते हैं दिन भर SMS। मुझे तो आदमी का SMS ही नहीं आता, बेचने वालों का SMS आता है, ये खरीदो वो खरीदो। तो जो मार्केट हम पे हावी हो गया, एडवर्टाइजिंग ने जैसे हमें कैप्चर किया है, और इन सारी समस्याओं से, और इसकी वजह से हम कितने अकेले होते जा रहे हैं। जो आपकी और मेरी पीढ़ी है, ये हिस्ट्री की सबसे लोनली और सबसे कंफ्यूज्ड पीढ़ियों में से है। मतलब हमारे अंदर एक बहुत गहरा अकेलापन है, जिसको हम बहुत सारी चीजों से भरने की कोशिश करते हैं, मगर एक नितांत जो हमारा अंदर का कोना है, मैं देखती हूँ, मेरे जब मुझे मालूम है कि अगर मेरा कोई दोस्त है जो बहुत हैप्पी फोटोज लगा रहा है, तो 90% चांसेस है कि वो सच में थोड़ा दुखी है अभी। क्या बात है। तो हम कॉन्ट्रडिक्शन के पुलिंदे बने हुए हैं, हम और आप और हमारी जो जनरेशन है, उस सही हमारे कॉन्ट्रडिक्शंस को पे बहुत अच्छे से इन्फिनिट जेस्ट बात करता है। तो ये सारी चीजें, ये तो कुछ मेरे प्रिय उपन्यास थे, ऐसे कुछ अच्छा मेरी तो मतलब प्रिय जो मैं आपको बताना चाहती, और भी नहीं बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी फिर। कोई नहीं, आप बता सकती हैं, लंबी लिस्ट लंबा मुझे लंबी दो हो जाए चीजें इसलिए बता ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दो, अच्छा नहीं मैं इससे पहले एक बात बता दूं कि हम लोग किताबों पर बात करते हैं, प्रियंका ने क्या किया है, इतना जबरदस्त काम करने के बाद दिल्ली में अब अपने आप को दिल्ली से दूर कर लिया है और पहाड़ों में जाकर एक छोटे से गांव में बस गई है किताबों के बीच में। तो हम लोग तो कहाँ से किताब प्रोग्राम करते हैं, लेकिन प्रियंका सही मायनों में किताबों से वापस सीधे बराह रास्त जुड़ने के लिए अब दिल्ली छोड़कर किताबों के बीच एक छोटे से गांव में पहाड़ों के बीच जाकर रहने लगी। तो जी अब आप ये मैं आपको बता रही थी कि एक जो चीज मुझे लगता है, जो जैसे बहुत सारे यंग हमारे साथी भी इसको सुनते हैं, मुझे मालूम है, तो तीन चीजें मैंने करी हैं इस बीच में ना, मैं बताना, जो मुझे लगता है कि सबके लिए मजे की और बहुत सहूलियत की चीज हो सकती है। अब इनको लगे कि फॉर डेविड फॉस्टर वॉल इसको कौन पढ़े, या इसको कौन पढ़े, तो बड़े मोटे उपन्यास है, सोनटैग को कौन पढ़े, कठिन है। तो दो काम आप, मुझे लगता है सभी को, जो मैंने अपने जीवन में किया, एक तो चौखंबा प्रकाशन से ना, वो आती है हमारी कालिदास का पूरा कलेक्ट वर्क्स, उनकी ग्रंथावली आती है एक, वो इस बीच हिमांशु जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मैं बैक टू बेसिक्स पे गई हूँ बहुत, और मुझे इतना उससे सुख मिला है। तीन चीजें, मीर गालिब, कालिदास, और पंजाबी के जो पुरानी वो है, मतलब लैला मजनू मैंने निकाल के दोबारा पढ़ा है, और मेरा दिल ऐसे लगा मुंह को आ गया। ही मैंने हीर रांझा पढ़ा, मैंने ना सोनी महिवाल पढ़ा, और जब मैं वहां कश्मीर में ट्रेवल कर रही थी, तो चिनाब बिनाब को देख के इतनी सेंटी हो रही थी कि ना पार चन्ना दे जिससे कुल्ली यार दी, इतना मजा आ रहा था। तो क्या मेरा बात, कहने का मतलब कि हमारे पास जो चीजें हैं हिंदुस्तान में, एक बड़ी अच्छी एडिटेड एंथोलॉजी राजकमल ने निकाली, एडिटेड है मीर और गालिब का, एडिटेड उनके दीवान है, मीर का दीवान, गालिब का दीवान, वो अली पेपरबैक में सरदार है। जाफरी हाँ का, जाफरी यस, साहब आप का जी। बिल्कुल वही वही जो है, तो बहुत एक्सेसिबल है वो, उसमें खूब अच्छे वर्ड मीनिंग दिए है, और पेपरबैक वाला, मेरे पास तो मीर का हार्ड बाउंड था, फिर मेरे को उसकी इतनी लत हो गई कि मैं जब भी घर से बाहर निकलू तो मुझे हाथ में चाहिए, मैंने कहा इतना भारी कौन उठाएगा, तो मैंने पेपरबैक भी खरीदा। तो मुझे लगता है सभी लोगों को ये जो तीन चार चीजें, एक तो जो पंजाबी फोक की कहानियां हैं, जो हमारी अमर, उनकी जो सात बड़ी कहानियां, प्रेम कथाएं हैं, वो सबने टीवी में बहुत वर्जन देखे हैं, मगर उसको अपने पास रखिए, कभी उसको दिल से लगा के खोल के पढ़िए, तो आपको बहुत वो सुख देगा। बटालवी को पढ़ना चाहिए, बहुत कितनी मेटाफोरिकल उनकी पोइट्री है, कि मायनी मैंने शिकड़ा यार लड़ाया ना, मैंने ऐसे जो कि वो उनका जो पंछी होता है, जो उस पोएम में, मैंने मायनी मैंने शिकारी पक्षी से, मैंने कैसे, मैंने उससे प्रेम किया, और वो जब वो कुशदेव चुगा नहीं हाल खा रहा था, तो पीला सागर हाँ मैंने नदी अपना में वैष्णव बिछड़े नील नाल अनार पकड़ी, जी। उसमें लाइन आती कि जब वो चुगा तो खाता नहीं था पक्षी, जो उनका प्रेमी है मेटाफोरिकल, तो मैंने दिल का मांस उसको निकाल के खिलाया, वो हाँ कहते हैं, क्या बात। मैंने कहा ये अच्छा एकदम नेक्स्ट प्रियंका लेवल। नहीं, वो जब इश्क में कोई होता है तो वो जानता है कि दिल का मांस या दिल का खून निकाल कैसे जो है के किसी की नजर किया जाता है। तो मुझे ये बताओ कि जैसे जिस तरह के रिपोर्टर तुम रही हो या हो, हाँ जाहिर सी तौर पर उसमें ग्राउंड का बहुत सारा अनुभव है, बहुत सारी तुम्हारी मेहनत है, लेकिन क्या कुछ किताबें भी ऐसी हैं जिसने रिपोर्टिंग में तुम्हारी मदद की, उसको समझने में या रिपोर्टिंग कैसे की जाए, इसमें एक ध्येय बनाने में कुछ नहीं तो किताबें हैं बहुत जो अच्छा। रिपोर्टर्स को हाँ मदद कर सकती हैं, अगर ऐसी किताबें पता हो आपको?
नहीं, मैं उस समय जब मैं एकदम थिक एंड थिन में थी रिपोर्टिंग के, अभी भी मतलब मैं नॉन फिक्शन बहुत पढ़ती थी और नॉन फिक्शन अभी भी मैं बहुत पढ़ती हूँ. नॉन फिक्शन क्योंकि जॉनर ही रहा है, तो उससे लंबी मैगजीन की रिपोर्टिंग न्यूयॉर्कर वगैरह मैं बहुत पढ़ती थी उसमें भी. और उसके अलावा किताबें भी, स्वेतलाना एक्सक्लेविच की जो किताबें हैं, जैसे बॉयज इन जिंक है या फिर वुमेन इन वॉर है, द वुमेनली फेस ऑफ वॉर है, इस तरह की, उनकी सेकेंड हैंड टाइम है. उनको जब पुरस्कार मिला, पहली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट 2015 में जब स्वेतलाना एक्सलेविच को नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए मिला, इतना मार्मिक क्षण था हम सभी के लिए. और हम लोग, मैं तो बहुत भावुक हो गई, रोने होने लगी कि ये देखिए ये, क्योंकि उनको ओरल हिस्टोरियन कहा ना उन्होंने, उनको नोबेल कमेटी ने कहा कि ये मानवता के दुखों की हिस्टोरियन है, मतलब उसकी इतिहासकार है, मानवता के सीने पर जो घाव लगे हैं उसकी इतिहासकार है. और मुझे लगा कि देखिए ये रेलेवेंस होता है इस काम का, तो उनका काम है. उसके साथ में मतलब बहुत नॉन फिक्शन मेरे को, मैं बहुत बहुत अच्छे से पढ़ती हूँ. डेविड रेमनिक की कई किताबें मेरे पास हैं, और उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण पत्रकार रहे हैं उनका नॉन फिक्शन बहुत सारा पढ़ती थी. हेमिंग्वे को बहुत पढ़ा, हिंदी में भी, हिंदी में हालांकि गधेदर गद्य का उतना कल्चर नहीं होता था, मगर उसके साथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि नॉन फिक्शन अच्छे से करने में मेरी फिक्शन ने बहुत और पोएट्री ने बहुत मदद करी. तो रिपोर्टिंग तो हम जो फील्ड पे होते थे वो हम करती थे, जैसे हम जितनी CRPC IPC एक्ट की जो किताब है वो मेरे पास है, मतलब अब ओरिजिनल है, तो वो मैं रखती थी, वो पढ़ने की आदत, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की आदत, ये सब जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो रिसर्च वर्क है आपका, ये तो आपका तगड़ा रहता ही है. आप उसमें खूब आप नॉन फिक्शन पढ़ते हैं, और भी जो कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, चाहे कश्मीर पे कॉन्फ्लिक्ट हो या छत्तीसगढ़ पे हो या फिर दुनिया में अलग अलग तरीके पे, जैसे एक कापुचिंस्की करके एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, रुडियार्ड, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, और ये सारी पढ़ती थी. मगर इसके साथ में ये कहना महत्वपूर्ण है कि अच्छा नॉन फिक्शन लिखने के लिए अच्छा फिक्शन और पोएट्री पढ़ना बहुत जरूरी है. मुझे लगता है कि तीनों विधाएं ना एक दूसरे को सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट करती है जब आप आगे पीछे जाते हो, क्योंकि एक ऐसे लेखक की तरह जो दो भाषाओं में काम करता है और कई विधाओं में आगे पीछे करता है. मुझे अब ये समझ में आया है कि फिक्शन ने मेरी बहुत मदद करी. तो उस लिहाज से जैसे कि दोस्तोवस्की को पढ़ना है, तो अगर आपने क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ा है, तो आपको जो एम्बीवैलेंस है, एम्बीवैलेंस जो शब्द है नहीं, कि जो वो आपको समझ आएगा. एम्बीवैलेंस का यहाँ पे से मुराद ये है कि चाहे आप दोस्तोवस्की को पढ़ लें, या आप अन्ना कैरेनिना पढ़ें, या फिर आप प्रूस्ट को पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट रीडिंग्स हैं, या आप निर्मल को पढ़ें ना, तो एम्बिवेलेंस यानी कि आप सर्टेनिटी के खिलाफ हैं. सर्टेनिटी यानी कि आप किसके पक्ष में जा रहे हैं, भ्रम के पक्ष में, आप कंफ्यूजन के पक्ष में, आप कॉन्फ्लिक्ट के पक्ष में. तो ये चीज मुझे इतनी सीखने को मिली कि कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, जजमेंटल नहीं होना, आपने काले सफेद में नहीं है दुनिया, सही नुआंस है, बहुत ज्यादा नुआंस है. और एम्बी, मुझे लगता है जीवन को भी हमें ना एम्बीवैलेंस के पक्ष में करना, क्योंकि हम कितने एम्बीवैलेंट होते हैं, हम कितने हर चीज को संशय से देखते हैं, हम कितने, हमें खुद ही का नहीं पता होता, इतनी उम्र हो गई अभी तक नहीं मालूम होता कि हम खुद किसी चीज को सर्टन है भी या नहीं है. तो हम दूसरे मनुष्यों के बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वो तय ही होंगे. तो जो अच्छा लिटरेचर है, जैसे दोस्तोवस्की की जो क्लासिक्स हैं, इन क्लासिक्स को मैं एक लाइन कहती हूँ इनके लिए, These are stories, the skeleton of all good things, all good stories in the universe is same. यानी कि जो सभी महान कहानियां दुनिया में, उनका ढांचा एकदम एक है, चाहे महाभारत हो, चाहे फिर हमारी वो एपिक के लेवल पे चली जाती है, अगर आप उसको जीरो इन करेंगे तो ब्रदर करमजोव और इसमें भी वही कहानी है, हमारे क्राइम एंड पनिशमेंट में भी. तो ये सब लोग आपको इस बात के लिए तैयार करते हैं कि भैया जजमेंटल मत बनो, तय मत करो, और चढ़ो मत किसी के ऊपर, और बहुत ढी अजीब सा कंफ्यूज्ड है सीन, तो उस कंफ्यूजन के पक्ष में भी आपको ये लेटर तैयार करता है. मीर के दो शेर हैं, एक तो शेर यही कि यही जाना कि कुछ न जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम, और दूसरा सरसरी तुम जहान से गुजरे वरना हर जा जहां दीगर था. तो क्या बात है, वो मेरा मीर भी यही कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो बहुत बड़ी, क्योंकि वो मजाज जब कहते हैं कि बहुत मुश्किल है दुनिया का सवरना, तेरी जुल्फों का पेचो खम नहीं है, तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि दुनिया मजे इतनी आसान नहीं है, दुनिया तो बहुत सुंदर बात आपने कही. इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ ना कि दीवान विवान एक अपने जेब में, एक पॉकेट में रख के चलना चाहिए बहुत, कभी भी कहीं, क्योंकि ज्यादा पढ़ना नहीं, बस में कहीं एक पन्ना खोला तो एक नज़म पढ़ ली, बैक टू बेसिक्स जाने से. कालिदास वगैरह को मैंने बहुत इस बीच में पढ़ा, बड़ा स्ट्रेंजली, और आई इंजॉयड इट सो मच. मुझे लगा यार ये आदमी बादल को देख के कितना क्रेजी हो रहा है, इसको कितनी फीलिंग्स आ रही है, कितना मतलब कि मौसम मौसम से इतना. और हम लोग आजकल क्या कहते हैं कि बड़ा
ये एक्सप्लिसिट हो गया, बड़ा ओपन, बड़ा बोल्ड कंटेंट लिख दिया। अब जो उन्होंने लिखा है या फिर जो कालिदास की ग्रंथावली में जो बोल्ड कंटेंट है, हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो ये मुझे लगता है। और एक चीज मैं कहना चाह रही थी, ये जैसे कि मुझे मतलब मुझे ये जरूर हिमांशु जी इस बीच में लगा है कि मैंने जो अपने पढ़ने का तरीका है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया है कि मैं विमेन राइटर्स, मेरी मेरी जो शेल्फ है वो इंक्लूसिव हो, जैसे कि मैं उसमें, और मैं ये सबसे मुझे लगता है निवेदन या उनको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि थोड़ा अपनी शेल्फ को लेकर कॉन्शियस रहें कि आपकी शेल्फ में आप कि उसमें अलग अलग आवाजें हों, ताकि आप पॉलीफोनिक यानी कि एक एक आवाज नहीं हो, पॉलीफोनिक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी, क्योंकि हमारे अंदर ही 10 आवाजें हैं, तो दुनिया में तो बहुत आवाजें हैं, तो पॉलीफोनिक अंडरस्टैंडिंग अलग अलग चीजें, ब्लैक राइटर्स भी होने चाहिए, दलित राइटर्स, जैसे अनिल तुमड़े की किताबें, अनिल तुमड़े की जो किताबें, अनिल तुमड़े की किताबें, जिस उसमें द दलित से एक बहुत उनकी इंपॉर्टेंट बुक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और भी उनकी किताबें आप पढ़ें, आपको ये होगी दलित पोएट्स भी आपके शेल्फ में हो, दलित राइटर्स उनकी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आपके हो, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सबके पास होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, संविधान के ऊपर ही आप उसको रखिए, दोनों को बगल बगल में, और जब भी आपको सैड फील हो तो आप उसको उठा के पढ़िए कि यार असली सैडनेस क्या थी, जहाँ से हम यहाँ तक आए हैं और अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है, तो वो चीजें हो, थोड़े विमेन राइटर्स को लेकर एक कॉन्शियसनेस हो, हर कि कैसे मेरे अंदर तो है, क्योंकि आई एम अ गर्ल और मुझे ये इस बात की बहुत कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं मेरे अंदर ये फीलिंग रहती है कि कई बार ऐसे ओवरलुक्ड हो जाते हैं, अच्छा टेक्स्ट नहीं पढ़ा जाता, तो मैं ढूंढ ढूंढ के उनको पढ़ती हूँ, तो इस लिहाज से बहुत सारे ऐसे जॉन टिडियन वगैरह भी मेरे को बहुत पसंद है, सिमोन व्हील बहुत पसंद है, बड़े अच्छे, हैना एडिट है, उनका बहुत अच्छा काम है, तो ये सारे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, इनको इनको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। एक चीज़ जो मैं जिस दौरान मेरी डिस्कवरी सेल्फ डिस्कवरी में जो मुझे पढ़ते हुए पता चला है, जैक कैरियोके करके एक बहुत फनी मजे के राइटर थे ना, बहुत फैसिनेटिंग, जैसे कहते हैं कैसोनोवा टाइप, और बहुत ही हेप अमेरिकन राइटर, उनका जो बीट जनरेशन थी उसके सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स में से थे अमेरिका में 60s, उसमें उन्होंने एक किताब लिखी ऑन द रोड, अपने दोस्त के साथ घूमने निकले अमेरिका में, और बहुत कल्ट क्लासिक हुई ऑन द रोड, और उस ट्रिप की कहानी है वो, उन्होंने बहुत फेवरिश एक जोश में आके 7-8 बहुत छोटे से 2 हफ्ते में वो उसका फर्स्ट काफी हिस्सा लिख लिया था, तो बहुत बड़ी कल्ट क्लासिक हुई वो, और मैंने उसको पढ़ा, मैं बहुत एकदम ऐसा लग रहा था कि मेरा चार्ज बढ़ गया अंदर से, हार्मोन्स वार्मोन्स बढ़ने लगे, खूब उछल रही थी और हिमालय वगैरह में घूमते टाइम। बट मुझे ये प्रश्न मेरे दिमाग में मंशु जी आया कि हमारे पास इसका कोई मतलब, मैंने सोचा कि कोई लड़की मैंने नहीं इंडिया में, और यहाँ भी ना, हम अगर ऐसी कोई रोड ट्रिप हो, इस तरह की कहीं किताब हमने देखी पढ़ी क्या, हमारे पास आई क्या इंडिया में ऐसा कभी कुछ, तो वो सवाल भी मेरे मन में चलते थे कि जब मैं अभी पढ़ रही हूँ तो उसमें मेरी क्रिटिकल फैकल्टी बहुत चालू रहती है, तो मैं अक्सर सोचती रहती हूँ कि प्रिविलेज कैसे काम करती है, या बहुत सारी चीज़ें, कास्ट है, क्लास है, बहुत बहुत सारी चीज़ें, जेंडर का जो इशू है, तो मेरे को ये भी समझ आता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है अगर हम इस नई पीढ़ी में हैं कि हम बेहतर काम करें, क्योंकि हमें जो मौका मिला है बहुत कम लोगों को ये यहाँ तक लोग पहुँच पाते हैं। जब मैं छोटी थी तो मैंने पढ़ा था कि 1000 में से सिर्फ 3 लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पर पहुंच पाती हैं, 10 साल पुरानी बात है, अब फिगर्स चेंज हो गए होंगे, बट इंडिया में लड़कियों को बहुत कम अवसर है, तो अगर अवसर है तो आप अपनी ऑन द रोड लिखिए, ऑन द रोड जिए, लिखे ना तो भी उसको जीना जरूरी है, और पढ़ना तो जरूरी है, मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो ये मैं सोच, अच्छा मुझे प्रियंका ये बताइए कि एक तो जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें पढ़ना क्यों चाहिए, पढ़ने की महिमा क्या है? देखिए, इसके मैं 2 पार्ट्स में छोटा सा इसका एक ब्रीफ आंसर दूंगी, लेकिन 2 पार्ट्स में, तो मुझे लगता है जनरली लोगों को इसलिए, एक तो ना एक बहुत सुंदर वाक्य है जो सोंटैग अक्सर कहती हैं, मैंने उनको उनके इंटरव्यूज में भी सुना है, तो मैं उसको यहाँ पे दोहराना चाहूंगी क्योंकि मुझे बात बहुत पसंद है। वो अक्सर कहती हैं कि ये पढ़ना ना इनलार्जमेंट ऑफ फीलिंग्स, वो कहती हैं एजुकेशन ऑफ हार्ट, कहती है फिक्शन क्यों जरूरी है, कि क्यों आज के युग में फिक्शन क्यों पढ़े, तो फिक्शन पोएट्री क्यों जरूरी है, तो पोएट्री इज एन एजुकेशन ऑफ हार्ट, इट्स एनलार्जमेंट ऑफ योर फीलिंग्स, आपको आपको वो एक आपको बहुत बेहतर इंसान बनाएगा, यानी कि आप आपकी फीलिंग्स आपका एक्सपैंड होगा, अगर आपके जो
डॉगमाज हैं, रिलीजियस डॉगमाज हैं आपको, और कास्टिस्ट आपका, और बहुत ज्यादा जो भी आपके अंदर आपको लगता है कि आप सीमाएं हैं मनुष्य की, कि आपको धार्मिक है, कोई भी आप सोचते हैं, कोई भी किसी भी तरह का जो किसी भी तरीके का जो कट्टरवाद होता है उसको पढ़ना तोड़ता है, आपको कोमल बनाता है, आपकी जो मनुष्यता है उसको खींच के बाहर लाता है, जो आपके अंदर नाजुक है, जो आपके अंदर टेंडर है, जो आपके अंदर मासूम है, उसको पकड़ता है, और आपको आपको ज्यादा स्वीकार्यता आती है आपके अंदर बहुत लोगों के लिए, जो आप जो आपसे एकदम अपोजिट है। तो मेरी पिछले दिनों में इतनी टॉलरेंस बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि मैं अपने ट्रोल्स और सबको, किसी को अनफ्रेंड ही नहीं करती हूँ, तो सबको किसी को अनफॉलो ही नहीं करती हूँ। तो मेरे अंदर और आपके अंदर माफी की बहुत क्षमता आती है, अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत माफ कर पाते हैं, आप फॉरगिविंग होते हैं, आप बहुत दिल खुल जाता है एकदम, और ये बहुत अच्छी बात है। धार्मिक किसी भी तरह का जो वो द्वेष है वो धीरे धीरे मलिन होता जाएगा समय के साथ, क्योंकि आपको समझ आएगा कि यार सामने वाला भी तो उसके जूते में भी तो वही है ना, अगर आप उसके जूतों में खड़े होकर देखेंगे तो लगेगा इसका भी संघर्ष, इसका भी कॉन्फ्लिक्ट वही है। तो ये हो गया, ये तो जनरल एक आंसर था, बट मैं अगर आप कहेंगे, अगर एज अ वुमेन राइटर, एज अ वुमेन रीडर मैं कहूँ, तो मुझे स्पेशली मुझे लगता है कि बाकी कोई पढ़े, सबको पढ़ना चाहिए, पर लड़कियों को तो पहले फुर्सत में पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, उनको तो बर्बाद होना है अगर उन्होंने पढ़ा नहीं। तो यानी कि अगर मौका मिल रहा है, तो क्योंकि कितने कम लोगों को मौका मिलता है, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप दूसरों की भी हेल्प करें, अपने किताबें बांटें, फोटो कॉपियां, PDF, और लोगों को इनकरेज करें, दूसरे को भी, कम से कम एक आध कोई और लड़की है उसको, एक आध कोई और लड़का है उसको भी, यू स्प्रेड इट आउट। तो खूब मेहनत से, स्त्रियों के पास तो चुनाव का ऑप्शन नहीं है, उनको तो पढ़ना ही चाहिए, बाकी लोग सबको ही प्रियंका, पढ़ना मुझे ये बताएं कि जो आपकी किताब है नो नेशन फॉर वुमेन, एक तो थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं तो उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं चाहता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं, इन दर्शकों में बहुत एक बड़ी तादाद है उन लोगों की जो बहुत किताबें फॉलो करते हैं और लेते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ी जानकारी अपनी किताब के बारे में, वो किस बारे में है और किस पब्लिकेशन से छपी है, अगर आप। ये साइमन चेस्टर करके पब्लिकेशन है जिससे आई थी ये किताब, उसको अब ऑलमोस्ट 2-2.5 साल होने को है। ये बेसिकली मेरी फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग पर बेस्ड है, इसमें 13 चैप्टर्स हैं, अभी इसका सेकेंड एडिशन आया पिछले बरस, और ये रेप के बारे में, इसका नाम है नो नेशन फॉर वुमेन, रिपोर्टेज ऑन रेप फ्रॉम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया। तो इसपे ये था मेरे मन में विचार, जब हम मैगजीन में, मैंने जीवन भर मतलब रिपोर्टिंग का बड़ा जो वक्फा है वो मैगजीन्स में बताया, तो ये मेरी परवरिश या मेरा जो बैकग्राउंड था उसकी वजह से एक नेचुरल, क्योंकि बचपन से इतना स्ट्रगल और ये सब चीजें खुद देखी हैं, तो एक स्वाभाविक झुकाव था जेंडर इशूज की तरफ। तो जब मैं रिपोर्ट करती थी तो मुझे अक्सर लगता था कि यार ये हम मैगजीन में पढ़ते हैं ना, तो कवर स्टोरी बड़ी कहानी लिखनी है तो आप खूब रेफरेंसेस ढूंढते हो, आप और किताबें पढ़ते हो ताकि आप उसको अच्छा कहानी को बना सको, और तो मैं ढूंढती थी तो मुझे कोई किताब नहीं मिलती थी, कुछ एडिटेड एसेज वाली किताब मिलती थी, तो मैं अक्सर सोचती थी कि यार ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट बुक व्हिच इज बीइंग व्हिच इज यू नो वेटिंग टू बी रिटन, अगर हम नहीं लिखेंगे कोई फिरंग आके लिखेगा इसको। तो मुझे ये लगता था कि ये तो हमारी कहानी है, और मेरे को बड़ा रिस्पॉन्सिबल फील होता था कि ये तो कहानी कहनी ही है। तो इसमें फिर नॉर्थ ईस्ट से लेकर मतलब कश्मीर और फिर नॉर्थ इंडिया पूरा साउथ मिडिल सेंट्रल तक बड़े बड़े सारे इस पर 13 केसेस हैं, जो उसमें भी मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई इंडिया इतना डाइवर्स नेशन है तो एक कोई वो नहीं है, मतलब कि कोई एक कारण नहीं जिस पर उंगली रख के आप कहो कि ये इस वजह से रेप होता है या ये इसका, वो कितनी नुआंस, कितनी डाइवर्स और कितनी वृहद मल्टी लेयर्ड और मल्टी डायमेंशनल इशू है, उसको एड्रेस करने के लिए वो बुक। तो उसमें 7 साल की मेरी रिपोर्टिंग है, 7 साल ऑलमोस्ट का काम है वो। मैं कुछ 23-24 साल की थी जब मैंने सोचा कि मैं इसको करूंगी, और 30 साल की थी जब वो किताब पब्लिश हुई है। तो ये कहानी है उसकी बस। अच्छा, चलते चलते प्रियंका ये बता दें कि दो दो सवाल हैं, और दो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी आप दोनों के जवाब दें। एक तो ये कि बच्चों को कौन सी किताबें पढ़वानी चाहिए माँ बाप को, मतलब जिससे उनकी पढ़ने की तरफ एक दिलचस्पी बने, यानी बच्चे अपने आप तो बेचारे क्या पढ़ेंगे, लेकिन उनका एक एक्सपोजर कराने के लिए, एक बात। और दूसरी बात, कुछ आपकी पसंदीदा किताबों की दुकान, कोई जगह, कोई लाइब्रेरी, उसके बारे में थोड़ी बात कर लें, और बस ये दो चीजें हैं, ठीक है दोनों के पटाक्ष, जवाब तो आपसे। मुझे
ये था कि बच्चों के लिए मुझे लगता है कि अगर आप कॉमिक्स वगैरह अच्छी जो हेल्दी कॉमिक्स हैं या साइंस की किताबें हैं, थोड़ा एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो बुक्स हैं या आइंस्टीन के बारे में छोटे छोटे इंट्रोडक्शंस भी आते हैं बहुत सारे, और अलग अलग तरह का उनको एक्सपोजर देकर अगर आप घर में पढ़ना शुरू कराएंगे तो एक अच्छा उससे एक अच्छा ट्रेडिशन बनता है। और दूसरे कि अगर पेरेंट्स घर में खुद पढ़ रहे हैं और घर में किताबें रखी हैं तो वो धीरे धीरे खुद ही पिक करना शुरू करेंगे, मगर शुरू में तो जो बहुत छोटे हैं तो हल्की किताब लाइट जिसमें आर्ट वर्क ज्यादा है, वो इलस्ट्रेशंस हैं, वो सारी चीजें कि अगर घर में बुक्स होंगी तो बच्चे खुद ही पिक करेंगे, और शुरू में तो आप उनको लाइट आर्ट वर्क वाली बुक्स बताएं। और दूसरा जो आपने जगह वाली जो बात बताई है, तो मुझे लगता है कि मैंने सबसे ज्यादा समय भारत भवन में एक छोटी सी किताबों की दुकान थी उसमें क्या बिताया बात है, और उसके साथ में इंग्लैंड में जब मैं थी तो जो थेम्स नदी जो थेम्स रिवर है उसके बगल में बहुत सारे ना स्टैंड पे सेकंड हैंड किताबें बिका करती थी, तो वहां पे मैं घंटों पूरा पूरा दिन बहुत सारी शॉप्स लाइन से कई सारे स्टैंड लगे रहते थे। दिन होता था उसका एक जिसमें वहां पे किताबों की बहुत सस्ती 1 या 2 पाउंड में आपको बुक्स मिलती थी, तो वहां पे मैंने बहुत किताबें वहां से ली हैं। और किताबों का क्या है कि जितने शहर बदले हैं जितने घर बदले हैं वो भोपाल से लेके यहाँ तक किताबें आती रही हैं, कितने दोस्तों ने दी है, तो आज जो मेरी शेल्फ है वो पूरी मेरी जिंदगी का एक प्रतिबिंब लगती है ना कि क्या किसने बात कभी कौन सी किताब दी, किसने कहाँ से आई है, पूरी दुनिया से मैंने किताबें बटोरी हैं। कई बार तो मैं कोट और अपने कपड़े होटलों में छोड़ देती थी क्योंकि मेरे पास लगेज अलाउंस कम है, तो लेकिन किताब भर के ले आऊं। प्रियंका, बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त मैंने जल्दी निकाला, इतनी खत्म सारी किया। किताबें बताई, और हमसे अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि कहाँ से किताब में महिलाएं बहुत कम आती हैं और बहुत सारे सब ज्यादातर पुरुष हैं, तो कोशिश तो अब रहती है आवाज कि नहीं हम आती। जी बुलाएं और लोग आए। तो आप आई, आपने इस कासे किताब सीरीज को एक नया आयाम दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।